बड़े ही खूबसूरत। ये है तीखा मोड़, गजब जिंदगी और मौत ही, मजा आ रहा भाई। उधर से भी गाड़ी आ रही है, इधर से भी, पता नहीं चलता कि कब कौन सी गाड़ी आ जाए, क्योंकि दिखता तो है नहीं। कितने बना रहे 0.6 में? उसमें दिखता है। अभी वो स्पेस कम है, उधर से ढाल है, उधर से चढ़ाई में लोगों की वाट लग रही है। ये तीखी मोड़ आ गई, लंबी लंबी गाड़ी। जब खूबसूरत, अच्छा बहुत दिख गया। एसएसआरजी घराना होटल जनता इंटरनेशनल, ये बोध गया का रोड में मिलता है। गया हूँ अभी गया के, गया और नवादा के रास्ते में। अभी अपन स्पीड 80 लेकर चल रहे हैं, इससे पहले तो गरीबी रेखा में जल्दी जल्दी नहीं आए हैं। 8 घंटे का सफर 5 से 6 घंटे में कर लिए, 2 घंटे की बचत की है, और आधे घंटे अभी ट्रैफिक में फंसे हुए थे। ये ट्रैक्टर भैया पीछे रह गए। भैया यहाँ पे तो सही बताऊँ तो चलाने का जो रूल है वो एक नंबर है, बिना टर्निंग लाइट जलाए, बिना हेडलाइट जलाए, आप बिना पास लिए कहीं भी कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आप अगर गाड़ी नहीं चलाना भी आता है आपको, तो आप यहाँ आराम से गाड़ी चला सकते हैं, आप ठोक सकते हैं, आप ठोक सकते हैं। रास्ता थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा है, तो मेरे को डर लगता है कि कहीं, ये देखिए नालंदा यूनिवर्सिटी है, 10 महीना किताब जलाता, बाकी ये थोड़ी है। गलत इन्फॉर्मेशन हमारे वीडियो में आप नहीं दे सकते, प्राइस नहीं दे सकते, कॉपीराइट तो मेरे वीडियो में आना ही आना है। अच्छा बात, टिकटॉक चल रहा है। आधा दो आधा छा, चलो घर ही चलते। मस्त है नालंदा, नालंदा कैसे है, नवादा या नालंदा? ये देखो डांस कर रहा है। पास पे कर दो वीडियो बना, स्टार्ट है। या ट्रैक्टर को क्रैंक बना दीजिए। मैं गया दूर है, जम्मू नहीं।
थाने में गाड़ी हो गई थी बहुत गंदी, अब मैं इसको साफ करवा रहा हूँ। ये हमारा खुद का गैराज है जमुई जिले में जो बिहार के अंदर आता है, यूनिवर्सल मोटर गैराज के नाम से। यहाँ पे गाड़ी पूरी सर्विसिंग करते भी हैं भैया हमारे। तो मेरी गाड़ी बहुत ज़्यादा गंदी थी, तो इस गाड़ी पर भी वो धुल रहे हैं। धुलने के बाद इसमें कुछ भैया बता रहे थे कि स्टिकर्स वगैरह टेस्ट करना है ताकि गाड़ी मॉडिफाई दिखे और अच्छी दिखे, थोड़ा सा लुक इसकी बढ़ जाए। और इसमें पॉलिश भी करेंगे धुलने के बाद, तो देखते हैं। और ये गराज है हमारा, देख सकते हैं चारों साइड से इस तरह से हमारा गराज दिखता है। यहाँ पे गाड़ियाँ और भी लगी हुई है, ये i10 है, i20, और मेरा ion मेरे लिए काफ़ी अच्छा रहा। वैसे गाड़ी हो गई है नई, पॉलिश हो गया है और ज़बरदस्त एकदम लाइटनिंग लगने लगा है। मेरा मन सेल करने का चल रहा था, लेकिन अब तो बिल्कुल कुछ भी नहीं करना भाई। ये गाड़ी मेरी सबसे पसंदीदा गाड़ी है अभी तक का, शानदार इंटीरियर एक्सटीरियर दोनों नया। अभी इसमें कुछ काम होगा मॉडर्न स्टिकर वर्ल्ड में। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।